इंसानों की औसतन उम्र 70 से 80 साल होती है, लेकिन चूहे, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों की मौत उस साल में ही हो जाती है। जानवरों और इंसानों के शरीर में क्या फर्क है कि कुछ जीव जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं, जबकि कई जीवों पर उम्र का असर धीरे धीरे नजर आता है। अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्तनपायी जीवों पर एक शोध किया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बताया है कि जीवों के डीएनए में उनकी उम्र का राज छिपा हुआ होता है। जितनी तेज रफ्तार से डीएनए में बदलाव होगा, कोई जीव उतना ही कम जिंदा रहेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया है कि उन्होंने इंसानों के साथ कुत्ते, घोड़े, जिराफ, शेर, खरगोश, चूहे, बिल्ली जैसे 16 स्तनपायी जानवरों के डीएनए की स्टडी की है, जिसमें यह नतीजा सामने आया है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के दौरान पाया कि डीएनए में मौजूद म्यूटेशन होता है, उनकी संख्या लगभग इन सभी में एक जैसी होती है। इन सभी जीवों में पूरी जिंदगी में करीब 3200 बार डीएनए का म्यूटेशन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जिस जीवों में जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है, उसकी मौत उतनी जल्दी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी में पाया है कि एक चूहिया के डीएनए में साल में औसतन 800 बार बदलाव होता है, जो 4 साल से कम जिंदा रहती है। इसी तरह कुत्ते में करीब 249, शेर में 160, जिराफ में 99 और इंसान में करीब 47 बार डीएनए में बदलाव होता है। इसके अनुसार इसकी औसतन उम्र में अंतर नजर आता है। रिसर्च करने वाली टीम में शामिल वैज्ञानिक डॉक्टर एलेक्स केगन ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इंसान के डीएनए में चूहे के डीएनए म्यूटेशन की रफ्तार से बदलाव होता है, तो मनुष्य के पूरे जीवन में डीएनए 50,000 से अधिक बार म्यूटेशन होता, लेकिन यह नहीं होता है। इंसानों में सिर्फ 47 बार पूरे जीवन में डीएनए म्यूटेशन होता है। डॉक्टर केगन ने बताया कि अलग अलग उम्र होने के बावजूद स्तनधारी में डीएनए का म्यूटेशन एक बराबर होता है, लेकिन यह क्यों होता है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब वैज्ञानिक 400 साल से ज्यादा जीने वाली ग्रीनविच शार्क जैसी मछलियों पर यह स्टडी करेंगे। माना जाता है कि ग्रीनलैंड शार्क दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाली रीढ़ वाला जीव है। इस रिसर्च के जरिए वैज्ञानिक उम्र के रहस्य को जानना चाहते हैं। इसके साथ ही कैंसर का इलाज खोजने में भी इसकी वजह है। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा कोशिकाओं वाले जीव की उम्र ज्यादा होती है और उसमें कैंसर होने का खतरा भी अधिक होता है। डॉक्टर कैनन ने कहा कि मैं यह सच नहीं मानता हूं, क्योंकि व्हेल मछली में मनुष्य के मुकाबले बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन कैंसर इंसानों में ज्यादा होता है। म्यूटेशन में इस रहस्य का राज छिपा हुआ हो सकता है। म्यूटेशन की गति इतनी धीमी होगी, कैंसर का खतरा उतना ही कम होगा।